वेलकम टू एसके शशांक ब्लॉग और एसके शशांक के और नए ब्लॉग में भाई फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग आए हैं जबलपुर फन फेस्टिवल 2024 जो कि जबलपुर में पहली बार लगाया भाई, ये लगाया अपना बड्डा दादा ग्राउंड मेडिकल। चलो चलते हैं भाई। जैसे ही मेले के अंदर जाते हैं सबसे पहले ये जहाँ पे बना है शार्क टैंक बना है, सबसे बड़ा इधर शार्क टैंक बना है। उसके बाद वहाँ पर मौत का कुआं भी है, ठीक है। वो देखो शार्क टैंक देख रहा है, वहाँ पर शार्क टैंक है, उस साइड मौत का कुआं भी बना है। वहाँ पर लग रही टिकट बुकिंग 100 रुपये। और पूछते हैं मेरे ख्याल से भाई ये यही काउंटर है क्या? पता करिए, वो 100 रुपये की टिकट है, ठीक है। अंदर जाने के लिए मतलब दो गेट है इधर, एक उस साइड से गेट है और एक इस साइड से गेट है, ठीक है। जाना है तो भाई 100 रुपये दो और अंदर चले जाओ, अंदर जाने मिल जाएगा। मतलब पहले आपको मछलियों को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अंदर जाने का मौका मिलेगा। और बड़ी भीड़ है यार, अभी तो शुरू हुआ, अभी मतलब यह कि अभी नया नया है ना, तो अभी थोड़ा भीड़ कम। मतलब इनका एक वो फिक्स था कि भाई 100 रुपये दो, शार्क को देखना ही पड़ेगा कोई। हाँ ये टिकट सोच रहे थे, मैं तो सोचा था कम होगी यार 20 रुपये की, 100 रुपये की चलो चलते हैं अंदर। 100 रुपये मैंने भी दिए हैं। 100? अरे बताओ यार भैया, एक बच्चे की नहीं लगी? नहीं उसकी नहीं लगी। लो दादा 3 टिकट फ्री कर दिए हैं। हाँ नहीं नहीं ये सही है। तो भाई अंदर मेन बच्चों के लिए ही है ना। अब हाँ तो भाई आ चुके हैं प्लेनेट ऑफ शार्क। मतलब इनका एक फिक्स है कि आपको साथ क्यों संतोष शार्क देखने ही है, नहीं तो आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा। तो ऐसा है भाई, शार्क देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और यहाँ पे लेडी बैठी है, ठीक है। तो अब चल रहे हैं भाई, ये लिखा है प्लेनेट ऑफ शार्क, ठीक है। शार्क का पता नहीं है कि नहीं, मछली असली देखने मिल जाएगी मेरे ख्याल से। और यहाँ पे इनके बाउंसर वगैरह भी लगे हैं, गार्ड वगैरह यहाँ कुछ। भाई ये बना है पूरा, अंदर ही अंदर बना है, 100 रुपये की टिकट लग रही है आपको। मैं तो सोचा था रोज जाऊंगा, लेकिन अब रोज आने का मौका। ओ भाई क्या बात है, हम आ चुके थे मेले के अंदर जहाँ पे हमें बहुत सारी मछलियाँ आई साइड में, बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ देखो, सारे इधर से लेकर उधर तक पूरे टैंक ही टैंक बने, बहुत सारी मछलियाँ देखने मिली। और यार मैं तो सोचा था कुछ हमें अलग मछलियाँ देखने, मतलब जैसे जेली फिश हो गई, शार्क हो गई, ऑक्टोपस हो गई, ये सारी बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी। देखते हैं क्या देखना मिलता है, क्या देख रहे हैं नहीं मिलता है, ठीक है। कुछ मछलियाँ तो ऐसी है जिनको हम अपने यहाँ जबलपुर में लोकल में ही देख लेते हैं। यार भाई ये देखो इधर भी मछलियाँ ही मछलियाँ, इस साइड भी ये तो वही मछलियाँ हैं जो हमने बाहर देखी थी कुछ। ये देखो ये भाई देख रहे हो, चैनल का यूट्यूब चैनल का वीडियो बनाने और ये छोटा सा बच्चा मिला, क्या नाम है बच्चे? केशव। तो भाई केशव नाम है इसका। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़ करना, ठीक है। एसके शशांक ब्लॉग के नाम से यूट्यूब चैनल, ठीक है बेटी, इसको हम जरूर ब्लॉग में डाल देंगे, ठीक है। चलो भाई, तो भाई ऐसे छोटे छोटे बच्चे हमें मिलते हैं, हम इससे मिलकर ना हमें अच्छा लगता है। देखो वो छोटा सा बच्चा जो मिला तो भैया ब्लॉग में ले लो, तो भाई ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं कि भैया हम अभी ब्लॉग में लो। और जब ऐसे बाहर निकलो ना भाई ब्लॉगिंग करना, क्या कहना मतलब अलग आना। देख चुकी हैं अभी, कुछ दुकानें लगी हैं, कुछ नहीं लगी। और लेकिन वो झूला देखो यार कितना बेहतर लग रहा है यार, मतलब मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ ना भाई इन सारी जगहों को देखकर, इन सारी चीज़ों को बताकर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में हमारा संतोष भाई भी आ गया था, तो वो मैंने कहा यार भाई चल आज चलते हैं ब्लॉग बना लेंगे। ये देखो आज है गुरुवार, ठीक है, आज थोड़ा कम भीड़ देखने मिलेगी, लेकिन अगर हम देखें तो भाई संडे और शनिवार इस दिन थोड़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरा बहुत बढ़िया लगा। अभी तो धीरे धीरे हम लोग आए, बहुत सारे लोग हमें देखते भी हैं, कुछ लोग देखते हैं कि भाई कर क्या रहे हैं पता, ऐसा गिम्बल विम्बल लिए हैं अपन, ठीक है। अंदर आओ भाई, अंदर आने की एंट्री थोड़ी महंगी है, बाकी अंदर का माल मेरे ख्याल से सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा नहीं। और यहाँ पर गन वगैरह लिखा है, यहाँ पे गन वगैरह करते हैं, ये रिंग डालो इनाम ले लो, ये तो हमारे यहाँ जबलपुर में लोकल में आते हैं। 50 रुपये लग रहे हैं, 6 रिंग मिल रहे हैं, उसके बाद आप रिंग डालो आपको इनाम वगैरह मिलेगा। और ऐसा कुछ यहाँ पे बॉल फेंको, ये जितनी भी गिलास गिरेंगी, कितने की एक है? 30 का 100 के चार्ज, 30 का 100 के चार्ज, जितनी भी गिरेंगी
आपको कुछ ना कुछ इधर इनाम मिलेगा। इनाम में क्या मिलेगा भाई करके तो क्या करवाते हैं लोग की, ये देखो दिखा रहा हूँ आपको, ये डाल चलाइए बन जाते बॉल रहती है इसका, यहाँ पर नंबरों में बॉल डालते हैं क्या भैया इसमें बॉल डालते हैं आपको। तो भाई लिए थे मेले में आए थे पॉपकॉर्न लिए थे मैंने, इनको साइड में दबा के रख लिया ठीक है, मैंने कहा यार भाई खाते खाते चलो देखते हुए चलो। तो भाई मेला कुछ ऐसा व्यू देखने मिलता है, देखो दिखा रहा हूँ, यह सबसे वो ड्रैगन वाला झूला झूल जाता है, वो वाला झूला है। उसके बाद भाई हमने सोचा था भाई पॉपकॉर्न खा पीके ठीक है, हम लोग निकल गए थे, आ जा भाई आ जाओ तुम लोग, भाई इन लोग को भी आ जा ठीक है, आ गए भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल ठीक है चलो भाई। तो भाई ऐसे बच्चे मिलते हैं जैसे कैसे ही मिला था एक बच्चा, हम जब आते हैं ना ऐसे घूमने जब बाहर आते हैं तो बहुत एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो अंदर का जो डर रहता है हमारे अंदर वो खत्म होता है, ऊपर से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मेला इतना बड़ा है ना कि आप घूम जाते हो, एक तो बहुत बड़ी जगह है, जब इतनी बड़ी जगह में मेला बनाया गया ऊपर से आप ऐसा ब्लॉग बनाते हो ना, पता नहीं संतोष भाई दो तीन बार पता नहीं आग से भाई भूजल हो गया काम, ये है ये पीछे साइड है उधर बच्चों के खेलने के, ज़्यादातर बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे खिलौने हैं गेम्स वगैरह। मैं इधर आया था मैंने कुछ झूले ऐसे भी देखे जो मैंने पहली बार देखे ठीक है, मतलब मौत का कुआं तो देख चुका मैंने, भोपाल में सबसे पहले मौत का कुआं देखा था और उसके बाद जबलपुर में पहली बार देखने का मौका मिल रहा है मौत का कुआं। ये मैंने तो है उन्होंने पूरा मौत का कुआं इस तरह का मौत का कुआं बनाया, ये मौत का कुआं उस तरफ और भी झूले हैं एक दो झूले हैं, वो मौत का कुआं ठीक है जैसे बनाया गया है और काफ़ी बड़ा दिख रहा है वही मौत का कुआं, और वो देखो वो गाड़ी रखे मारुति 800 ठीक है, और यहाँ पे वो उसके राइडर भी है भाई, ये पूरे घेरे में ना वो मौत के कुएं में गाड़ी चलाते हैं, गाँव में बस इंजॉय करो और घर चलो। तो ये छोटे बच्चों का झूला, ये हाँ तो चलो यारो करते हैं आज का ब्लॉग खत्म, जितने भी लोग इस ब्लॉग को देख रहे थे प्लीज़ शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर लेना, और आप लोगों का साथ हो गया भाई 2K पूरे हो गए हैं ठीक है, 2K पूरे हो गए 2.1K के आसपास सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ ही रहे हैं, आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली और मेरी फेसबुक फैमिली, चलो मिलते हैं जय सिया राम, और ऐसे ही बने रहना और ऐसे ही ब्लॉग देखते रहना मुझे अच्छा लगता है।